नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। समाजवादी पार्टी के युवा दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने झांसी के बीकेडी चौराहे पर स्थित मंदिर के पास माननीय शिवपाल सिंह यादव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मंदिर में हलवा का भोग लगाया व प्रसाद वितरण किया गया, जहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी के नारे लगाए गए और बताया कि इस बार आगामी चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी को जिताना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, जिसमें अनेक युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अनेक समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी दिखाई दिए। झांसी से संवाददाता नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अब आने वाले 2022 में जो भी सरकार बनेगी उसमें माने चाचा जी का बड़ा हाथ होगा। और समाज, मैं चाहता हूँ और हमारे लोग चाहते हैं कि 2022 में समाजवादी विचारधाराओं की सरकार बने और सभी पार्टी एक होके, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक होके 2000 उत्तर प्रदेश के पूर्व लोक निर्माण मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शिवपाल सिंह यादव युवा वाहिनी संगठन के सभी पदाधिकारियों ने आज उनकी दीर्घ आयु के लिए हवन का कार्यक्रम किया है और हलवा वितरण का कार्यक्रम किया है, क्योंकि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो कार्य किए हैं वो हमेशा जनता के हित में रहे हैं। चाहे सड़कें बनाने का काम हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो थोड़ी थोड़ी सड़कें बनी हुई हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने बनाने का कार्य किया है, जो ऊँचे ऊँचे पुल, चाहे रामनगर का पुल हो, चाहे ललितपुर में चैक डैम हो, ये सब माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने चैक डैम और ये पुल सड़कें सब उनने बनाने का कार्य किया है। हम लोग उनसे बहुत प्रेरित हैं और आकर्षित भी हैं कि आने वाले समय में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी सरकार बनाए और उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनने वाली नहीं है और उसमें माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की बड़ी हिस्सेदारी होगी। समाजवादी विचारों की सरकार बनेगी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की बड़ी हिस्सेदारी होगी, उनके बिना कोई सरकार नहीं बना सकता है उत्तर प्रदेश के।